नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई जो है कर सकती है पुलिस, और खान के घर छिपे आतंकियों को सौंपने का अल्टीमेटम जो है ख़त्म हो गया है, और रेजिडेंस उनके रेजिडेंस के जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं उसको बंद कर दिया गया है। और पंजाब प्रांत के केयरटेकर गवर्नमेंट के मुताबिक खान के जमान पार्क वाले घर में 40 आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें जो है बुधवार को यानी कल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, और वो अल्टीमेटम आज तकरीबन 2 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की कंबाइंड टीम ने ऑपरेशन की तैयारी जो है मुकम्मल कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। और वहीं इमरान खान ने मीडिया को घर बुला लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज ही इमरान खान को नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, अब तक वो पेश नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इमरान खान के जो लीगल जो टीम है उन्होंने सलाह दी है कि नैब को लिखित जवाब सौंपने का सलाह दिया है कि आप वहाँ न जाएं, लिखित जवाब दें कि आखिरकार क्या मजबूरी है जिसके कारण जो है वो पेश नहीं हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में 60 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला हुआ है, और इसमें इमरान, पत्नी बुशरा बीबी और बुशरा की दोस्त फराह गोगी इस जो एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। और जांच एजेंसी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 40 अरब रुपए पाकिस्तान भेजे जाने का जिक्र है, और इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा था कि हमारे पास तमाम टेक्निकल एविडेंसेस हैं। और जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राणा ने यानी पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी बात कही थी कि जो 40 लोग ये वही हैं जिन्हें जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्हें रिहा किया गया, इनका ताल्लुका जो ताल्लुकात है वो तालिबान से है। खान अब सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से जो पाकिस्तान की हालात है, पाकिस्तान के लोग जहां आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं, जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ लोगों को भारी पड़ रही है, वहीं जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के बीच में जिस तरह से तनातनी, या यूँ कहें कि जिस तरह से आमने सामने हैं, ऐसे में इमरान खान के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और आज की रात इमरान खान के लिए आज भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी है पाकिस्तानी पुलिस और सेना द्वारा, ऐसे में उनके लिए आज की रात काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लाहौर वाले घर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर रखा है। और जिस तरह से पंजाब सरकार के मिनिस्टर आमिर मीर ने यह बयान दिया था कि खान के घर छिपे 40 दहशतगर्द वही हैं जिन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर पेट्रोल बॉम्ब फेंके और फायरिंग की, ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर पर अटैक किया। और वो उम्मीद किया गया था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उन्हें सौंपेंगे, लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने, जो पाकिस्तान के ग्राउंड जीरो से जो बातें सामने आ रही है, ऐसी स्थिति में इमरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक 40 दहशतगर्दों की पुलिस को सौंपने की बात, जो कि पंजाब प्रांत के जो पुलिस अधिकारी हों या वहाँ के मिनिस्टर, जो उन्होंने अपील की थी कि उन्हें सौंपा जाए, अब तक उन्हें सौंपा नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरे जो इमरान खान के लाहौर
का जो घर है उसके जाने वाले रास्ते को पूरी तौर पर बंद कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। तो किसी भी वक्त जो है इमरान खान के खिलाफ जो है एक बार फिर कार्रवाई हो सकती है।